नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ऑन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने अब मोहर लगा दी है और देहरादून में पार्टी इकाई की बैठक में फैसले के बाद पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उप पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी ने यह घोषणा की। नए सीएम की रेस में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अनिल बलूनी शामिल थे। हालांकि विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री का ताज जो है वो पुष्कर सिंह धामी के सर पर बांधा और वहीं राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 6 महीने के कार्यकाल में सीएम के रूप में धामी ने अपनी अलग ही छाप छोड़ी। अब राज्य का दोबारा मुख्यमंत्री बनकर वो बहुआयामी विकास करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी सर आप लगातार धामी को धाकड़ के रूप में देखते रहे हैं, आपने तमाम रैलियों में कहा है, आपको लगता है कि अब जो विकास की गति है उत्तराखंड में? मैं उत्तर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा और मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर जब आप आए हैं पर्यवेक्षक, लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहां तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहां पर पुष्कर धामी ने 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में सर स्पष्ट रूप से देखने को। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर और पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर के या अन्य नेताओं के लिए, किस तरह से देखते हैं धामी जी को? सरकार चला चुके हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं उत्तराखंड का एक समग्र विकास होना चाहिए, इसी लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम करेगी। इसके प्रति मैं पूरी तरह, सर आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 सालों में? अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूँ। आज पर्यवेक्षक के रूप में हमारे साथ श्रीमती मीनाक्षी लेखी यह भी उसमें मौजूद थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और हमारे जोशी और दुष्यंत गौतम यहाँ के जो प्रभारी हैं और श्रीमती रेखा आर्य, यह सब सारे लोग। वहीं राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक में श्री पुष्कर सिंह धामी को नेता चुने जाने पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में और धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का बहुआयामी और बहुत तेज गति से विकास होगा। तो ये ट्वीट राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया है। वहीं न्यूज वन इंडिया की खबर पर भी मोहर लगी। पुष्कर सिंह धामी ही लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। दरअसल न्यूज वन इंडिया की टीम ने पहले ही बता दिया था कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही मोहर लगेगी और उन्हीं के नाम पर मोहर भी लगी है। आपको बता दें कि ऐलान से पहले न्यूज वन इंडिया ने बताया था कि धामी ही मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के और उन्हीं के नाम पर अब मोहर भी लग चुकी है। बड़ी खबर हमारे पास आ चुकी है दिल्ली से कि उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री का काउंटडाउन था वो जारी है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग चुकी है। सूत्रों के हवाले से हम अपने दर्शकों को ये खबर बता रहे हैं। हालांकि सुबह से हम लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी ही होंगे और अंत में जो हमारे सोर्सेस हैं उन्होंने इस बात का पुख्ता दावा किया है कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम ही उस बैठक में लिया जाएगा। ये हमारे सूत्र तय कर चुके हैं। जी सुदीप जी, देखिए ये बात बिल्कुल सही है और हम भी लगातार इस बात को बहुत प्रमुखता से कह रहे थे कि कई नाम हैं, कई लोग हैं, धामी चुनाव हार चुके हैं लेकिन उनके प्रति एक सिंपैथी है। 6 विधायकों ने कहा है कि वो उनके लिए सीट छोड़ देंगे और निर्दल विधायक उमेश कुमार जी ने भी कहा कि वो उनके लिए सीट छोड़ देंगे। देखिए सुदीप, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली से पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग चुकी है। एक हारे हुए नेता को दोबारा से उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा, उन्हीं की ताजपोशी होगी, ये बड़ी खबर है और न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले सटीक और पुख्ता खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि दिल्ली से पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग चुकी है
और जो अब विधानमंडल दल की जो बैठक होनी है वो महज एक औपचारिकता भर है। दिल्ली से नाम फिक्स करके बिल्कुल भेजा गया है, जो औपचारिकता है वो अब से थोड़ी देर में पूरी होगी। बैठक शुरू होने वाली है और महज 10 से 15 मिनट तक ये बैठक चलेगी और उसमें उस बैठक के अंदर जो पर्यवेक्षक दिल्ली से गए हैं, चाहे राजनाथ सिंह की बात करें या मीनाक्षी लेखी की बात करें, वो जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का उसका क्लियर मैसेज विधानमंडल दल की बैठक में विधायकों को। वहीं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम चुने जाने पर बधाइयां दी हैं। बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं। धामी जी एक अच्छे, उनके नेतृत्व में वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू किया विद्यार्थी परिषद से। आज अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, उत्तराखंड का नेतृत्व और गरीबों की सेवा का संकल्प लेकर जो मुख्यमंत्री बने थे उसका परिणाम रहा कि राज्य के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और जनता ने आशीर्वाद दिया पुनः फिर जनता की सेवा करने के लिए। आज वह मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं, फिर से पुनः शपथ लेंगे और जनता की सेवा करें। वहीं अभी कुछ दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने न्यूज वन इंडिया से के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से खास बातचीत की थी और इस दौरान सीएम पद को लेकर ये बातचीत की गई और उस वक्त गीता धामी पुष्कर सिंह धामी को लेकर बिल्कुल श्योर थी। उन्हें भरोसा था कि दोबारा पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और इस खास बातचीत में और क्या कुछ कहा था गीता धामी ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, धामी जी जन नेता हैं, वो सभी के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने कभी भी किसी के लिए कोई गलत काम नहीं किया, जाने अनजाने में भी उन्होंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया और अच्छे लोगों के लिए अच्छा ही होता है। वो जो है जनता के दिलों में है, जनता उन्हें स्नेह करती है, पूरे उत्तराखंड की जनता उन्हें स्नेह करती है और यही स्नेह आशीर्वाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी उन पर करता है जो है, और जैसा भी आशीर्वाद मिलेगा और जो भी उन्होंने सोचा, जो भी समझा होगा, हो सकता है उनकी कुछ और इच्छाएं रही होंगी कि धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उतना समय खटीमा को नहीं दे पा रहे थे। हो सकता है उनको लगता होगा कि धामी जी घर घर जा पाते चुनाव के दौरान या फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो इतना समय अगर वो पूरा खटीमा को ही देते तो मैं नहीं समझती कि वो उत्तराखंड में सभी जगह जा पाते, अपने कामों को कर पाते। और जो भी उन्होंने निर्णय लिया है हम लोग जो है खुशी खुशी हमें मंजूर है। उन्होंने मेहनत की है, वो सभी ने देखी है। आगे ऐसे आदमी, ऐसे जो है व्यक्ति को तो होना ही चाहिए आगे जो है, क्योंकि पूरा प्रदेश को अभी आगे लेकर के जाना है। जो आशाएं, जो उम्मीदें जनता की उनसे हैं, अभी बहुत आगे लेकर के जाना है उन्होंने उत्तराखंड को। और उन्होंने भी जो उत्तराखंड के लिए सपने देखे हुए हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी सपने पूरे करने के लिए मैं समझती हूँ कि धामी जी को जो है और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अब जो भी आगे केंद्रीय नेतृत्व जो है निर्णय लेंगे वो सभी को मंजूर होगा। देखिए, और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बंशीधर भगत को देहरादून राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई और इस मौके पर कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने आज ही पांचवी निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को भी शपथ दिलाई है। तो प्रोटेम स्पीकर बन चुके हैं बंशीधर भगत और शपथ लेने के बाद में उन्होंने बाकी विधायकों को भी शपथ दिलाते हुए नजर आए हैं और अब बाकी रह गया है मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह। तो प्रोटेम स्पीकर बन चुके हैं बंशीधर भगत, राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई और फिर सभी विधायकों को भी शपथ दिलाई गई जो विधायक चुनकर आए हैं 2022 के विधानसभा चुनावों में। आज महामहिम राज्यपाल जी ने मुझे प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है। ये प्रोटेम स्पीकर का पद तब तक के लिए होता है जब तक विधानसभा का नया अध्यक्ष न चुना जाए। हमने शपथ लिया है, माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने शपथ दिलाई है, अब इसके बाद हम विधायकों को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद शाम को आज प्रदेश का विधानमंडल की बैठक होगी। इसके बाद जब विधायक राजभवन आएंगे तो आज ही आएंगे या ये इसके लिए कल का समय मुकर्रर किया गया? ये अब देखते हैं, विधानमंडल की बैठक होगी उसमें बात तय होगी। मैं समझता हूँ आज भी हो सकता है, नहीं तो कल सुबह भी हो सकता है। और अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर शपथ ग्रहण की तैयारियां इस वक्त तेज हैं। दरअसल लखनऊ के इकाने स्टेडियम में
शपथ ग्रहण की तैयारी इस वक्त चल रही है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है और इस वक्त इकाना स्टेडियम को सजाया जा रहा है। 12 ब्लॉकों में इकाना स्टेडियम को बांट दिया गया है और व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 12 ब्लॉकों में ये बांटा गया है। हर ब्लॉक में 4 अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। 12,000 वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। तो इस शपथ ग्रहण समारोह को और भी भव्य बनाने की तैयारियां वहां पर लगातार की जा रही है, क्योंकि इस कार्यक्रम में तमाम VVIP शामिल होंगे और काफी भव्य इस कार्यक्रम को बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन कर रहा है। पच्चीस तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, उसकी संपूर्ण व्यवस्था की तैयारी की बैठक आज संपन्न हुई है। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। संगठन से पूरे राज्य के लोगों को आना है। राज्य के सभी मंदिरों में प्रातःकाल 25 को स्वच्छता अभियान चलाकर पूजा करना है राज्य के कल्याण के लिए। राज्य के अंदर मंच, माइक, सजावट, ये सभी की व्यवस्था हुई है, बटी है, और कार्यकर्ता जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है वह पूरी तैयारी करेंगे। बाकी लोग उस दिन अपना शपथ लेंगे और राज्य के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कितनी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं? हजारों में आ रहे हैं कार्यकर्ता, बड़े पैमाने पर। वहीं शपथ को लेकर यूपी बीजेपी ने भी एक लेटर जारी किया है और बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिला कार्यकारिणियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि शपथ में हर क्षेत्र से कम 2 कार्यकर्ता आएंगे। नेताओं को सूची तैयार करके लखनऊ भेजने के निर्देश दिए गए। आने जाने की व्यवस्था पार्टी के नेताओं की तरफ से कराने के निर्देश हैं। साधु संतों के साथ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साहित्यकार, समाजसेवी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इकाना स्टेडियम में लोगों की भारी भीड़ जुटने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है और इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय और बाजारों में भी होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मंदिरों में पूजा पाठ करने के निर्देश दिए गए हैं। शपथ ग्रहण में आने वाले सभी कार्यकर्ताओं को प्रवेश पत्र दिया जाएगा। जिला अध्यक्षों को आने वाले सभी लोगों की सूची बनाकर भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो एक लेटर जारी किया गया है, उस लेटर के जरिए तमाम निर्देश इस वक्त दिए गए हैं। वहीं नोएडा की सड़कों पर आधी रात को दौड़ते हुए वायरल हुए अल्मोड़ा के प्रदीप मेहरा रातों रात चर्चित हो गए। उन्हें सैन्य अफसरों के फोन आने लगे। इसके साथ ही कई बड़ी हस्तियां भी प्रदीप को फोन करके मदद का ऑफर दे रही हैं। 19 साल के प्रदीप मेहरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल नोएडा के मैकडोनाल्ड्स में नौकरी करते हैं। सना में भर्ती होने के लिए प्रदीप देर रात अपनी शिफ्ट खत्म करके कमरे तक पहुंचने के लिए पसीने से तरबतर होकर सड़क पर दौड़ लगा रहे थे। कारण उनकी नौकरी का शेड्यूल ऐसा है कि वो सुबह दौड़ की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और इसलिए शिफ्ट खत्म होने के बाद कमरे तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी प्रदीप दौड़ करके पूरी करते हैं। मेरे गांव में से बहुत लोगों का, बहुत दोस्तों का फोन आ रहा है, भाई तूने तो आग लगा दी, ये कर दी, वो कर दी। आर्मी से भी कई लोगों ने फोन किया, सब लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। तो उनको मेरे पास भी आया, बहुत लोगों का फोन। तो ऐसे लोगों का नंबर मैं दूं क्या? उनका किसका नंबर? तुम्हारा नंबर दूं? हाँ दे दो। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हो देश के लोगों को? कहना चाहता हूँ मेहनत के आगे तो दुनिया झुकती है, बस मेरे गाँव में। वहीं गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तो आपको बता दो, गाजियाबाद के अंदर पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई और इस बीच बदमाश के पैर में गोली लगी और घायल अवस्था में ही बदमाश को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। को सूचना मिली थी कि बंथला नहर पुलिया से निकलने वाला है, उसमें हम लोगों ने उसकी घेराबंदी की थी। घेराबंदी के दौरान ही जब वो निकला
जब हम लोगों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया हमारी टीमों ने, तो उसने जान मारने की नीयत से हमारी टीम पर फायर किया, जिसमें जवाबी फायरिंग में उस पर जब हमारी टीम ने फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी है। घायल को अस्पताल भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और गाजिया के बाद अब बात करेंगे हापुड़ की, जहां पर कार सवारों की हुड़दंगई का एक वीडियो इस वक्त सामने आया और कार में सवार युवक जमकर हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं। हुड़दंग मचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है और मामला थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला इंद्रगढ़ी का बताया जा रहा है। रायबरेली की, जहां पर दुकान पर सामान खरीदने के लिए गए एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और वहीं हमले में घायल युवक को आनन-फानन में CHC उचाहार भेजा गया, जहां हालात को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर भी कर दिया गया है। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के उमरन गांव का बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये युवक एक दुकान में सामान खरीदने के लिए पहुंचा था और इसी दौरान उस पर हमला हो गया, ताबड़तोड़ चाकू से वार किए गए। रायबरेली के बाद अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर युवक ने फावड़े से 5 किसानों को काटने का मामला सामने आया और इतना ही नहीं राहगीरों को भी उसने अपना निशाना बनाया। इलाज के बाद कई किसानों की मौत भी हो गई है। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जब किसान खेतों में काम कर रहे थे तो उसी समय युवक ने फावड़े से उन सभी पर हमला बोल दिया। एक महिला समेत 5 किसानों पर हमला किया गया। मामला खानपुर थाना क्षेत्र के माजरा परवाना गांव का बताया जा रहा है। इनका तो नत्थी सिंह नाम है और एक का प्रेमपाल नाम है और प्रेमपाल जी घरवाली है और एक नौरंग है। जो मार रहा है उसका क्या नाम है? उसका बल्लू, पिता का नाम जो राम सिंह। कितने इन पे हमला कर दिया आपने? हमला जब मार दिए 3 पाली में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल है। हरपाल सिंह जी बताओ, क्या 3 पाली में मार दिए? 3 पाली में मार दिए। अच्छा, यहाँ क्या? बम्बे पर। और यहाँ की क्या स्थिति? यहाँ 4 मार दिए। यहाँ 4 मार दिए। तेजपाल सिंह घायल है। तेजपाल सिंह घायल है। मैं 5 में लोग वो घायल है। वहीं आजमगढ़ मऊ से नामांकन करने पहुंचे बीजेपी के MLC प्रत्याशी अरुण कांत की बीजेपी से टिकट मिलने पर जनता और पार्टी का धन्यवाद देता हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से उनको आश्वासन मिला है कि अगर वो यहां से जीतते हैं तो उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आजमगढ़ मऊ क्षेत्र के विकास की और पार्टी के नेताओं की समस्या के समाधान के लिए भी वो काम करेंगे। वहीं हरदोई विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अशोक अग्रवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इस मौके पर बीजेपी के सभी विधायक, सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल सहित पार्टी के तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। वहीं फरुखाबाद में भी MLC चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। नामांकन के करने पहुंचे सपा प्रत्याशी से भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी हरीश यादव के कपड़े फाड़ दिए और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सपा प्रत्याशी कलेक्ट्रेट में बने नामांकन कक्ष में भेजा। ये बवाल DM कार्यालय पर भारी फोर्स की तैनाती के बाद भी हुआ। फरुखाबाद के बाद अगली खबर वाराणसी से, जहां पर 2 लाख के इनामी मनीष सिंह सोनू को मुठभेड़ में ढेर किया गया है। STF के साथ मुठभेड़ में ये वांटेड सोनू सिंह ढेर हुआ है। मनीष पर हत्या का प्रयास, वसूली समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। लिहता इलाके में STF के हाथ ये बड़ी सफलता लगी। मौके से 9 mm कार्बाइन, 32 बोर की एक पिस्टल भी बरामद की गई। आपको बता दें कि लंबे समय से बदमाश मनीष की तलाश लगातार STF की टीम कर रही थी और आज वाराणसी में उसे ये बड़ी सफलता मिली है। वाराणसी के बाद अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर रेलवे स्टेशन के शौचालय में महिला से दुष्कर्म का मामला इस वक्त सामने आया। पुलिस ने आरोपी शुभम मोदनवाल उर्फ अन्ना को गिरफ्तार किया है। रेलवे विभाग ने घटना की उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी है। घटना की जांच के लिए DRM पहुंचे हैं। वहीं प्रतापगढ़ जंक्शन जांच के बाद
रेलवे पुलिस और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन का इंतजार कर रही महिला से शौचालय में रेप की घटना सामने आई और रेप के बाद महिला और उसके पति से मारपीट भी की गई है। रेलवे परिसर में रेप से रेलवे पुलिस पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब हमीरपुर की, जहां पर बेटे ने मां को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे के आदि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नशे का आदि और मानसिक रूप से विशिष्ट बताया जा रहा है। ललपुरा थाना अंतर्गत कलौली जार गांव में आज लाला राम विश्वकर्मा, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, अपनी 80 वर्षीय मां को पहले कुल्हाड़ी से काटा और उसके बाद से उसका गर्दन भी उसने अलग कर दिया और घर में उसे जला रहा था। पड़ोसियों ने देखा, उसके बाद से फिर इसकी सूचना थाना पुलिस को दिया गया। पुलिस द्वारा आकर के इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और संपूर्ण कार्रवाई इसमें की जा रही है। ललपुरा वही बुलंदशहर में पारिवारिक कलह की वजह से पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की सूचना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। अब वही घटना की सूचना मिलने के बाद महिला के परिजनों ने भी ससुराल में जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के कुतुबपुर गाँव की घटना बताई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।